अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज उस बाजी के पास भी मौजूद हैं, एक दो दफ़ा पहले भी इनके घर आए हैं, इनको राशन वगैरह दे के गए हैं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनके पास नलका नहीं है, तो इनको वाटर पम्प कोई लगा दिया जाए, हैंड पम्प लगा के दिया जाए। इनके पास कोई मतलब इंतज़ाम नहीं था पानी का। और एक इनके पास कमरा है जो कि कमरा भी इनका नहीं है, किसी ने इनको बैठने के लिए दिया है। बाकी ये जो जगह खाली पड़ी है, इधर इधर कह रही थी कि अगर मुझे कोई कमरा बना दिया जाए, बना के दिया जाए, तो इधर ये इनको जगह दी है इनके देवर ने और जेठ ने। ये बेवा बहन है और ये जगह खाली है, और मतलब इनके देवर जेठों ने, ससुराल वालों ने ये जगह दी है कि इधर अगर आप कमरा बना लो तो आप रह सकती हो। बाकी वो कमरा उनका अपना है जिसमें ये रहती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए हैंडपम्प का इंतज़ाम हुआ है। ये जो हैंडपम्प लगवाया है, ये हमारी बहुत प्यारी बहन है नसीम अख्तर, उनकी तरफ से है इनके लिए, क्योंकि इनके पास पानी का इंतज़ाम नहीं था। बच्चे माशाल्लाह खुश हैं, पानी से नहा रहे हैं। थोड़ी सी बाजी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। सलाम। नलका लगवा के देता है, बच्चे बहुत तंग है, ना अपना है कोई नहीं, कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कह दो पागल है, कभी किसे नाल जा रहा है, कभी किसे नाल, ये है छोटे छोटे बाकी कुड़ियाँ हैं दो सारी हैं माशाल्लाह। बाजी रोंदे रोंदे का तो पाए रोंदे पे आप दे किस्मत ते बच्चे हैं, काम करने हैं सारा थे, कभी इधर कौन मांग, कभी इधर कौन मांग, खाने आते बच्चे, आज कोई अपना आंदा तो देवे ना, दुआ करने हैं बच्चे पानी पी सन, तुहानू दुआ कर सुन, नानू बाजी नू दुआ कर सुन। जी उत्तर शोहर जिंदा सी ते तुहाडे हालात बेहतर सी? हाँ जी बहुत खुश है से, अपना कमांदा से खांदा से, माशाल्लाह गड्डी चलांदा से, काम भी करता से, ट्राली चलांदा से, बहुत अपने आर छाए करते से, अपनी जमीन ही हूँ लै रहे से, माल आदि रखो है बिकन बेच बुच, जेड़े आ गए पैसे कोई हो तो कोई मेहनत मजदूरी वाले भी जा लेंगे आपकी, अभी ले भी नहीं है, पैसे नहीं है, मकान भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं है, अपनी बहने की मंजियाँ नहीं हैगी, तेरा पखा भी मांग के आंदा, वो भी राती तार सड़ गई, कोई चीज़ भी नहीं है अपनी। पखा कितों लिया मांग के? मेरे भाई दा सी, उन्होंने दो है माशाल्लाह मुल है मेरे भाई ने चलते पैसा ना, तो फिर उसकी तार सड़ गई रात। तुहाडे बच्चे है किन्ने? चार है माशाल्लाह। बेटे दोनों सही नहीं है? दोनों दा नहीं काम करता। बाजी कहती है दो बेटे हैं, दोनों के दिमाग जो है मतलब सही, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, एक ये है जो नहा रहा है और एक थोड़ा बड़ा है, वो वीडियो में भी नहीं आता, उसे बुला जितना मर्ज़ी बुलाओ वो आता ही नहीं है, बात नहीं सुनता वो, वैसे भी उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो बात सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी इसकी। वो बाजी की वो कह रही थी कि जब सारा दिन दिल करता है कभी किसी के साथ बैठ के कहाँ चला जाता है, कभी किसी के साथ बैठ के कहीं चला जाता है, घर में भी नहीं रुकता, सारा दिन बस तंग करता है, ये खुद ही अकेली कभी खेतों में काम करके, कभी मजदूरी करके बच्चों को दो वक्त की रोटी खिलाती हैं। अब रो रही थी कि मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है दो वक्त की रोटी खिलाना। बाजी हुण की करदे आ काम तुसी? कपाह चुनने, पट्ठे कढ़ने, हाथ का माल रखे हुए उन्होंने वास्ते, कपाह चुनने बच्चे वास्ते, ना कहीं कपाह कपू ना हो तो तेरे मेरे को मांग ली, मैंने मजदूरी कर ली अपनी, बच्चे जो पालने है। कह रही है कि खेतों में मजदूरी मेहनत जैसे औरतें काम करती हैं, किसी ने कपास लगवा दी या बीज दी, अब जो है कपास की चुनाई का मौसम शुरू हो गया है, तो वह कहती है अब चुनाई करती हूँ जाके सारा दिन, और शाम को आके बच्चों को एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खिला पाती हूँ। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। बाकी जो है बाजी जी साड़ी भैन है ना नसीम अख्तर, उन्हें तुहाडे वास्ते नलका लगवा के दिता वा ना, बस सिर्फ तुसीं उहदे वास्ते सिर्फ दुआ करनी है, ठीक है? दुआ करते हैं, बहुत बहुत दुआ करते हैं बाजी ने, अल्लाह बहुत देवे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह दे बच्चों की वड्डी जिंदगी करे, उहदी भी तंदुरुस्ती, अल्लाह उन्हें खुश रखे बच्चों च। अच्छा, और इंशाल्लाह तुहाडी रिक्वेस्ट पहुँच गई अगे, तुहाडे वास्ते कमरे वास्ते अगर कुछ हो सकिया तो इंशाल्लाह इत्थे जरूर तुहानूं एक कमरा बना देवांगे, बाकी जिहड़ा वा ना अल्लाह भी तुहानूं जिंदगी च मुश्किलां आसान करे। अब बाकी ये है कि हैं भी बेटियां ना, बेटे जो हैं वो दोनों ज़हनी माजूर हैं, अगर माजूर ना होते बंदा ये कह दे कि बेटे थोड़े बड़े होंगे तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, बाकी अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।